बात करते हैं सर लाइट की और रोड की, तो आपके सामने ही है सर सारा कुछ दिख रहा है आपको, आपके जस्ट पीछे बसावट हो रखी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इस रोड को आप देख सकते हैं, अभी तो यानी लोगों ने यहाँ पर घर बनाए भी नहीं है और सर ने RCC का रोड पूरा बना दिया है। 32 फीट का रोड है सर ये, 32 फीट के रोड। हाँ जी सर। दोस्तों 32 फीट के रोड, वो भी RCC के साथ, आप देख सकते हैं आपको RCC वाले रोड यहाँ पर 32 फीट के मिलने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, तो इस तरह का कुछ स्विमिंग पूल का लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह आपको इस तरह का पूरा प्रॉपर मिलने वाला है। और ये हमारा स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये भगवती कॉलेज की बाउंड्री से बिल्कुल अटैच है अपना प्रोजेक्ट। क्या आपको यहाँ पर दुकान विला और प्लॉट्स वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। और देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सर सरिये पड़े हुए हैं सारे, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो सरिया पड़ा है इसके जस्ट पीछे 500 गज में मकान बन रहा है सर ये। ओहो, यानी 500 गज का घर और बनते हुए आप देख पा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको प्लॉट चाहिए दिल्ली से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा NH24 रोड है जो कि आपको दिल्ली से हापुड़ वाला रोड भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल मेन रोड पर आपको ये सारी एक सोसाइटी मिलने वाली है। इस तरह से आपको मंदिर मिल जाता है, यहाँ पर आपको मस्जिद भी मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं सामने गेट लगा हुआ है वर्धा इंक्लेव। पूरा पक्का रोड है जो कि हमारी सोसाइटी की तरफ जाता है। बिल्कुल यहीं पर सामने 500 मीटर की दूरी पर आपको सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। दोस्तों ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है हमारा दिल्ली मेरठ रोड। इसी रोड पर आपको मिलता है आगे जाकर के मसूरी, यानी डासना मसूरी। बिल्कुल उसी से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको राइट हैंड में फ्लाईओवर के नीचे ये प्रॉपर साइड मिलेगी और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये आदित्य वर्ल्ड सिटी एक बननी है, आप लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं। ये मेरठ मुरादाबाद बरेली वाला रोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों इसी रोड पर आपको एक कट मिलता है, आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, EP एक्सप्रेस वे हापुड़। दोस्तों जैसे आप इस रोड पर चलते हैं हापुड़ वाले रोड पर, तो यहाँ पर आपको IMS इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से बच्चे इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आते हैं। इसी रोड पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिलती हैं, बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं। ये हमारा रोड होने वाला है डासना मसूरी वाला रोड। ये जो आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं ऊपर दादरी पलवल हापुड़ मुरादाबाद के लिए ये सीधा रास्ता जा रहा है, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेस वे जिसके नीचे से हम निकल लें ये हमारा आगे जाकर के मानेसर KMP के लिए जाकर के मिल जाता है, यानी यहाँ से आपको सभी जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं आप साइड से लग करके आपको यहाँ पे प्रॉपर मार्केट मिलती है, यानी जैसे ही आप साइड से बाहर निकलते हैं मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर आपको प्रॉपर इस तरह की मार्केट मिलने वाली है। दोस्तों ये है हमारा डासना मसूरी से आगे जो हमारा एक फ्लाईओवर पड़ता है, इसी फ्लाईओवर के नीचे से आपको राइट की तरफ मुड़ना है। यहाँ पर भगवती इंस्टीट्यूट का सामने बोर्ड लगा हुआ है, सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गेट वर्धा इंक्लेव। आज की वीडियो में हम आए हुए हैं गाजियाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी आपको दिखाने के लिए, और वीडियो के अंदर हमारे साथ है JP सर। तो JP सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। सर आपकी वीडियो हम हमेशा बनाते हैं लोगों को एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, बात करें कंपनी का क्या नाम होने वाला है? सर कंपनी का नाम भी वर्धा बिल्डर्स है, ठीक है, और कॉलोनी का नाम वर्धा इनक्लेव है सर। क्या बात है। तो दोस्तों देखो एक ऐसी कॉलोनी, एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है जो कि फुल डेवलप मिलती है। ये जो हमारा रोड है ये सामने NH24 है। जी सर ये NH24 है, NH24 से लिंक रोड है 60 फुट का सर। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक सर कॉलेज भी मिलता है रास्ते में। जी सर उस कॉलेज का नाम है भगवती कॉलेज। सर अगर हम बात करें आपका जो ये वर्धा इंक्लेव है इसकी लोकेशन क्या है सर? सर इसकी लोकेशन है NH24 जिंदल नगर गाजियाबाद। तो वर्धा इंक्लेव है वो भगवती इंस्टीट्यूट की बाउंड्री से अटैच है। क्या बात है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर USP की बात करें और सबसे मेन चीज बात करें सर, आप जो वर्धा इंक्लेव के अंदर प्लॉट्स प्रोवाइड
डिसाइड करा रहे हैं जी, किस तरह के प्लॉट ले सकते हैं? सोसाइटी के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट भी मिल जाएंगे, हाँ जी, शॉप भी मिल जाएंगी, कमर्शियल प्लॉट्स भी मिल जाएंगे, बिला भी मिल जाएंगे, मकान भी मिल जाएंगे और फार्म हाउस के लिए भी लैंड मिल जाएगी सर। क्या बात है। तो दोस्तों चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर विला भी मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर सर आपने बताया था अभी स्विमिंग पूल भी बनना है। हाँ जी सर, यहाँ पर दो दो स्विमिंग पूल बन रहे हैं, वो भी दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहिए तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल NH-24 के पास ये सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली। तो यहाँ से जो हमारी साइड है बिल्कुल इससे लग करके, जी सर ये भगवती कॉलेज की बाउंड्री से बिल्कुल अटैच है अपना प्रोजेक्ट। क्या बात है। गेट नंबर 1 जो बिल्कुल भगवती कॉलेज की बाउंड्री से अटैच है, और गेट नंबर 2 जो है इससे थोड़ा सा पीछे जाकर है सर। ठीक है। तो जेपी भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ तो पूरी मतलब बसावट है, और एक तरह से जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूरा RCC का रोड है और सारे घर बने हुए हैं और लोग घर भी बना रहे हैं। तो आप पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी लोग बना करके रह भी रहे हैं। तो सर हम बात करें यहाँ पर जैसे हमारी डेली नीड की चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें और प्लस फैसिलिटी जैसे कि बिजली पानी, ये सारी सुविधा हमें मिल जाती हैं सर? बिल्कुल सर, देखिए पीछे ही आपके जस्ट पीछे को शॉप है, यहाँ पर दूध मतलब जो सुबह ब्रेकफास्ट का हो सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पर। इसके साथ ही पीछे को जहाँ पर अभी मंदिर के पास में खड़े थे, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है सर। क्या बात है। अब बात करते हैं सर लाइट की और रोड की, तो आपके सामने ही ऐसा सारा कुछ दिख रहा है आपको, आपके जस्ट पीछे बसावट हो रखी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इस रोड को आप देख सकते हैं, अभी तो यानी लोगों ने यहाँ पर घर बनाए भी नहीं है और सर ने RCC का रोड पूरा बना दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जल्दी से ये एरिया डेवलप हो रहा है। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा एक पूरी गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर आप प्लॉट लेकर के अगर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही से रह सकते हैं। बिल्कुल सर, रह सकते हैं। तो बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो जिंदल नगर क्या है, इंस्टीट्यूशनल हब है सर। यहाँ पर 3 से 4 तो मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, प्ले स्कूल है, 8-10 मतलब सारा कुछ है सर जिंदल नगर में सर। क्या बात है। दोस्तों जिंदल नगर के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, और सर ने बताया यहाँ पर आपको प्लॉट बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिलने वाले हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सर जैसे आपने बताया यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस के लिए जगह ली हुई है, और जो लोग ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेकर के डाले हुए हैं जी। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, वो आपका कौन सा किस तरह का एरिया है उसका नाम? सर ये जो अभी हम खड़े हैं ये जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक के बाद आई ब्लॉक, जे ब्लॉक और के ब्लॉक है। आइए मैं उसको भी आपको दिखवा देता हूँ सर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हैं एक ये घर बना हुआ है। सर ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी बनाया है। सर ये अभी शायद कल या परसों ही इसका काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी। और ये 60 स्क्वायर यार्ड में सर मकान है, यानी 60 गज का प्लॉट है। देखो दोस्तों काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, गेट भी कितना शानदार लगा है, यानी स्टेनलेस स्टील का गेट लगा। हाँ जी सर, हाँ जी। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक घर यहाँ पीछे भी बनना है। ये सर 100 स्क्वायर यार्ड में मकान बन रहा है सर। तो ये सर 100 गज के अंदर है। हाँ जी सर। दोस्तों देख सकते हैं 100 गज के अंदर ये भी काफी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह मकान बनते हुए आपको दिखाई दे रहे, तो आप सोच सकते हैं लोगों का कितना ट्रस्ट है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पर लाइट बिजली पानी की सारी व्यवस्था मिलती है। तो सर अगर हम बात करें बिजली पानी की, तो यहाँ पर लाइट कितनी देर तक रहती है? सर लाइट की जो टाइमिंग है यहाँ पर 18 से 20 घंटे है, और पानी आपको 24 आवर है सर। क्या बात है। तो दोस्तों देखो आपको बिजली पानी की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लोग ऑलरेडी यहाँ पर घर बना रहे हैं। और पीछे सर मैं देख रहा हूँ फ्लैट भी बने हुए हैं। हाँ जी सर, फ्लैट भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों फ्लैट भी बने हुए हैं, और घरों के आगे गाड़ियां भी खड़ी हैं, यानी ऑलरेडी लोग पहले से यहां पर रह रहे हैं। पीछे देख सकते हैं आप दोस्तों आपको काफी घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि यहां सारी चीजें डेली नीड की भी सारी चीजें मिलती हैं, इसीलिए यहां पर लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी बाउंड्री हो रखी है, ये एक बाउंड्री हो रखी है। सर जैसे कि आपने पूरी सोसाइटी बसाई हुई है, पीछे ही मैं देख रहा हूँ काफी घर बड़ा बना हुआ है। ये भी सर दिल्ली के ही है, क्या बात है। दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग मकान बनाया है, अंदर से भी रास्ता है इसमें दोनों साइड। तो सर कितना बड़ा होगा ये घर? ये सर 200 गज में है सर। ये 200 गज में। अच्छा आपने जो जैसे रोड निकाले हुए घर के पास, ये रोड कितने बड़े बड़े रोड है? 22 फुट का रोड है सर, यानी 22 फीट के रोड दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लॉट्स, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे। और देखो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सर सरिये पड़े हुए हैं सारे, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सरिया पड़ा है, इसके जस्ट पीछे 500 गज में मकान बन रहा है सर। ओहो, यानी 500 गज का घर और बनते हुए आप देख पा रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लोग अभी से प्लॉट लेकर के अपना घर बना रहे हैं और रहना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एक सर 100 गज
एज में मकान ये बन रहा है, इसके लत रेडी हो रहे हैं, मिट्टी पड़ रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ भी देखो मकान बनना है, यानी कि जो भी लोग यहाँ पर सर ब्रॉड ले रहे हैं वो हाथों हाथ बनाना चालू कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों डेवलप हो रही है, अगर डेवलप होती है तो आप सोच सकते हैं प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता चला जाता है। यानी आज की डेट में आपने जिस प्राइस के अंदर ये प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वहाँ पर घर बनने लग जाए तो 5 से 6 महीने के अंदर वहाँ पर आपको डेवलप दिखाई देती है, तो प्राइस तो अपने आप ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। अगर आपको दिन रात स्विमिंग पूल में रहना है और एक बहुत ही छोटी सी अच्छी सी पार्टी करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी सर ने कराई हुई है। तो सर दिखाएं ये स्विमिंग पूल किस तरह का होने वाला है, कितने बड़े एरिया में बना हुआ है। सर ये 1500 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। क्या बात, तो मतलब हफ्ता भर में रेडी हो जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा, और सारी पार्टी वगैरह का इंतजाम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक बार दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखो इस तरह का कुछ स्विमिंग पूल का लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह आपको इस तरह का पूरा प्रॉपर मिलने वाला है। और ये हमारा स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, ये देख सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते के टाइम पीरियड के बाद ये बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका होगा। अभी वहाँ पर काम भी चल रहा है, ये देख सकते हैं सर। यानी कि अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं तो लोग यहाँ पर इंजॉय के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर कोई भी पार्टी वगैरह होती है तो आप इसे बुक करा सकते हैं और बहुत आनंद के साथ अपना जन्मदिन वगैरह बर्थडे वगैरह मना सकते हैं। दोस्तों ब्लॉक जे के अंदर जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा पार्क मिलता है। तो सर ये कंपनी पार्क भी प्रोवाइड करा रही है। जी सर, इस कॉलोनी के अंदर पार्क है, ये 9000 गज में है। 9000 गज का पार्क आपको यहाँ पर कंपनी दे रही है। दोस्तों आप सोच सकते हैं यानी कितनी अच्छी डेवलप करके आपको प्रॉपर साइट दी जाएगी। यहाँ पर बाउंड्री हो रखी है और सामने देखो कुछ शॉप्स भी आपको दिखाई दे रही है। यानी आपको यहाँ पर दुकान, विला और प्लॉट्स वगैरह सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो जेपी सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये तो काफी बड़ा रोड मुझे दिखाई दे रहा है, ये कितने फीट का रोड है सर? ये 32 फीट का रोड है सर। 32 फीट के रोड? हाँ जी सर। दोस्तों 32 फीट के रोड, वो भी आरसीसी के साथ। आप देख सकते हैं आपको आरसीसी वाले रोड यहाँ पर 32 फीट के मिलने वाले हैं। और यहाँ पर देखो बीच में भी आपको रोड दिखाई दे रहे हैं। सर ये कितने फीट के रोड हैं जो दुकान के पास है? वो दुकान के साथ में जो रोड है वो 22 फुट का रोड है सर। यानी 22 फुट के। और देखो दुकानें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक गेट में सर वहाँ पर देख रहा हूँ वर्धा इनक्लेव का गेट लगा हुआ है। जी सर, वो ब्लॉक जे है सर। ये ब्लॉक जे? जी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर गेट की बात करें तो एक गेट आपको और मिल जाता है, वहाँ देख सकते हैं आप। वो सर कॉलोनी का गेट नंबर 2 है। ठीक है, जो मतलब एंट्री एग्जिट के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस सोसाइटी के अंदर काफ़ी गेट मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको विला, प्लॉट्स, फ्लैट, ये सारी फैसिलिटी मिलती है। तो सर एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ प्लॉट्स बना करके भी दे रहे हैं क्या? हाँ जी सर, प्लॉट्स बना करके भी दे रहे हैं। ये विला बने हुए हैं सर ये। ठीक है, ये राइट में। तो अभी दोस्तों आपको हम विला दिखाते हैं चल के, किस तरह के विला आपको मिलने वाले हैं। तो सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे ये विला बने हुए हैं सर, ये 3 BHK विला बने हुए हैं। क्या बात है, और ये आप बना करके प्रोवाइड करा रहे हैं? हाँ जी सर, ये इसको हम सिंप्लेक्स के रूप में बना रहे हैं। ठीक है जी, अगर क्लाइंट चाहता है तो इसको G+4 तक बना सकता है सर। ठीक, यानी सर छत वगैरह सब हमारी होगी? सारा कुछ रहेगा सर उसमें। क्या बात है। दोस्तों आपको यहाँ पर विला भी मिलता है, प्लॉट्स भी मिलता है, दुकान भी मिलती है, फार्म हाउस भी मिलता है, और स्विमिंग पूल भी मिलता है। सर इतनी सारी फैसिलिटी आपने दे दी और 32 फीट के चौड़े चौड़े रोड भी दे दिए। तो सर अब ये बताइए इस प्रॉपर्टी का प्राइस कहाँ से स्टार्ट है? अगर हम एक 50 गज का प्लॉट लेते हैं तो मिनिमम हमें कितने रुपए का मिल जाता है? सर 50 गज का जो प्लॉट मिलेगा वो 7 लाख का मिलेगा सर। ठीक है जी। शॉप जो मिलेगी वो 12,50,000 की मिलेगी सर। अच्छा, जो विला मिलेगा आपको वो 28 लाख का मिलेगा सर। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने बताया ये सारे प्राइस, अगर हम इसे किस्तों पे लेना चाहें तो? सर आपको इसमें किस्त भी बन जाएगी और इसमें आप लोन भी हो जाएगा बैंक से सर। यानी लोन भी अवेलेबल है? हाँ जी सर। तो सर फिर तो ये NOC वाली जमीन है? हाँ जी सर, यानी NOC मिलेगी आपको। जो एग्रीकल्चर जमीन होती है उसको कॉलोनी के नाम से रेजिडेंशियल करा करके NOC ली जाती है, जब जा करके आपको उस पर पूरा लोन मिलता है। तो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी सर ने दिखाई है जो कि आपको सोसाइटी के बीचों बीच मिलती है, और सर ने सोसाइटी की बाउंड्री भी की हुई है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे ये। जी सर, ये सारी की सारी बाउंड्री हमने कराई हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी अपने प्लॉट ले रखे हैं, बुक कर रखे हैं और बाउंड्री तक कराई हुई हैं। सर अगर आपके पास कोई आना चाहे, आपसे प्लॉट लेना चाहे, तो आपका एक एड्रेस बताएं ऑफिस का, कहाँ पर आ सकता है और आप किस तरह से साइट विजिट कराते हैं? सर ये जो लोकेशन है वो NH24 है, जिंदल नगर गाजियाबाद, वर्धा इनक्लेव के नाम से मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। अगर कोई भी व्यूअर्स विजिट करना चाहता है सर, तो दिल्ली NCR से अगर वो है
तो कैब की फैसिलिटी मिलेगी मेरी कंपनी की साइट की तरफ से, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, पिक एंड ड्रॉप दोनों ही मुफ्त रहेंगे मेरी साइट से सर। क्या बात है। तो दोस्तों आपको इस तरह की सारी फैसिलिटी सर ने बताया आपको मिलने वाली है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा पैसा आपका डबल होने वाला है, यानी सर जो आपने लास्ट टाइम में प्रॉपर्टी दिखाई थी कम से कम 5,000 के आसपास थी। जी सर, 5,500 रुपए गज से स्टार्ट। आज की डेट में सर आज वहाँ पर 14 से 15 के ऊपर ही मिलेंगे। तो दोस्तों ट्रिपल रेट हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे देख सकते हैं कुछ क्लाइंट भी आए हुए हैं, यानी सर रोज के रोज यहाँ पर विजिट होती रहती है। सर 7 डेज विजिट होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे ही विजिट हो, 7 डेज विजिट होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर विजिट के लिए कभी भी आ सकते हैं, सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है वर्धा इंग्लेव, यहाँ पर आपको सोसाइटी के बीचों बीच ये सारे प्लॉट्स मिलने वाले हैं। सर जैसे कि आपने प्राइस तो बता दिए, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफर तो बताएं। सर आपके व्यूअर्स के लिए ऑफर ये रहेगा, जो भी इस चीज़ के माध्यम से आएगा उसको एक अच्छा सा गिफ्ट और प्लस डिस्काउंट दिया जाएगा मेरी साइड से सर। क्या बात है। तो दोस्तों अगर आप सिराज सैफी चैनल का नाम लेकर के आते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट और एक सरप्राइज दिया जाएगा, वो क्या होगा वो आपको यहाँ आने पर पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिन भाइयों को भी NH24 यानी दिल्ली से हापुड़ वाले रोड पर प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी गाजियाबाद जिंदल नगर के अंदर, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं, यहाँ के प्लॉट कैसे लगे, दुकानें कैसी लगें और विला कैसे लगे कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय एंड टेक केयर।